हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी मिक्स वेजिटेबल सूप। तो शुरू करते हैं बनाना। तो हम शुरू करते हैं वेजिटेबल सूप बनाना। सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में वन टू टू टीस्पून में इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। हमारा तेल है जो प्रॉपर गर्म हो चुका है। ये मैंने कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, उनको ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लिया है, ये डाल देंगे। और एक टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है, ये भी डाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। लहसुन अदरक पक चुका है। और एक ये मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको ब्रीक कटिंग कर लिया, ये भी डाल देंगे हम इसमें। अब हम प्याज को भी थोड़ा थोड़ा सोते कर लेंगे। मिक्स वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैंने जो सब्जियां ली हैं, ये कुछ बीन्स ली हैं थोड़ी सी, एक टमाटर है उसका बीज निकाल के उसको ब्रीक कटिंग कर लिया है, कुछ थोड़े मटर लिए हैं, थोड़ा टुकड़ा फूल गोभी का लिया है उसको ब्रीक कटिंग कर लिया है, एक शिमला मिर्च ली है, एक गाजर ली है उसको ब्रीक कटिंग कर लिया है, और कुछ स्वीट कॉर्न्स है। इधर हमारे जो प्याज है वो भी अच्छे से हो चुके हैं, तो अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, बीन्स डाल देंगे। जो सब्जी को थोड़ा टाइम लगता है उसको हम पहले थोड़ा डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। और साथ ही मैं इसमें मटर और फूलगोभी, इन चीजों को डाल के हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो हमारी गाजर मटर और गोभी ये अच्छे से थोड़ी सोतो हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च, टमाटर और कॉर्न, और इसको डाल के भी हम थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे हम। तो सब्जी हमारी 60% तक पक चुकी है, हमने इसको पूरा नहीं पकाना, थोड़ा क्रंच रखना है। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना आप लाइक करते हो नमक उतना डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम 1/2 गिलास पानी और डालेंगे। कुल मिला के इसमें हम 1200 ml के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसको ढक्कन देके इसको बॉयल आने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसमें काफी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें एक लेमन जूस है, ये डाल देंगे। अगर आप लेमन जूस नहीं डालना चाहते तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हो। तो इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हम सूप को चेक कर लेते हैं, काफी अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको ऐसे पानी में घोल लिया। अब हम ये सूप में डाल देंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। कॉर्नफ्लोर डालने से एक तो जो हमारी ये ग्रेवी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और अच्छा सा एक शाइन आएगा इसमें। हमारा वेजिटेबल सूप बिल्कुल बनके रेडी है, ये आप देखिए। इस समय आप अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन हो तो आप उसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो इस समय ब्रीक कटिंग करके आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है। तो अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो
तो हमारा हेल्दी वेजिटेबल सूप बन के रेडी है। तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। हमारा हेल्दी वेजिटेबल सूप बन के रेडी है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।